हटे हुए इधर निकाल के होगी तू निकाल ना शरीर देखो हाथी ऐसे काम तुम्हारा बढ़िया निकाले अगर टूट गया तो तू टूट गई हो बिथरा दिए निकाल ए काम करो हर पाई देगा पूरी हाँ कौन अच्छे से जानता हाँ अच्छे से निकाल ना बढ़िया अच्छे से निकाली थी वो ये लोग तो हम तो यक्कू नहीं पायो अच्छे ही नहीं पायो थोड़ा तो पायो खाए भरे तू ना यार तीन चार तो पायो ले इधर है भुजी इधर इधर राजा आजा मेरे मम्मी यहाँ पे हाँ ये देखो वहाँ पे हट हट अरे आराम से आराम लेके आ काम का इधर भी धीरे सा सब्जी का तो व्यवस्था हो गया है अब लकड़ी काटने का बाकी है साथ में आया तो तमीज से काम कर चुप तू मुझे सिखाएगी तमीज मैं जा रही हूँ लकड़ी काटने तुम लोग आना देवर बाबू क्या बात है कुछ नहीं भौजी पागल हो गए देवर बाबू भौजी मान जाओ ना उससे रहा नहीं जाता है देवर बाबू कैसी बात कर रहे हो तुम्हारे भैया जान पाएंगे तो क्या कहेंगे भौजी भैया के साथ सोती हो मेरे साथ भी रह जाओ ना कैसी बात कर रहे हो देवर बाबू तुम्हारे भैया से मेरी शादी हुई है तुम्हारे भैया के साथ सोती हूँ तो क्या तुम्हारे साथ भी सो जाऊं पागल मत बनो देवर बाबू भौजी भैया को नहीं बताऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा भौजी अब मुझसे रहा नहीं जाता ये क्या कर रहे हो देवर बाबू अपने आप को संभालो मैं यहाँ किसके भरोसे रहती हूँ तुम्हारे और कामता के भरोसे तो रहती हूँ तुम लोग भी ऐसा करोगे तो फिर सोचो क्या होगा पहुंची ना समझाओ ना भैया को नहीं पता चलेगा और चल गया तो भाग चलेंगे भाग के कहाँ जाओगे देवर बाबू ये मुझसे नहीं हो पाएगा मैं तुम्हारे भैया को धोखा नहीं दे सकती आज अगर जो मैं तुम्हारे साथ भाग गई और किसी दिन तुम्हारा मन मुझसे भर गया तो मैं क्या करूँगी कहाँ जाऊँगी पहुंची मैं कभी नहीं छोड़ूंगा मान जाओ एक बार मान जाओ देवर बाबू तुम्हारे लिए तो एक बार होगा पर मेरे लिए तो बार बार का मसला हो जाएगा मैं तुम्हारे भैया के साथ कैसे नजरें मिलाऊंगी भौजी कितनी देर से कह रहा हूँ यहाँ पे कोई नहीं है और भैया भी कितने दिन नहीं आए हैं और क्या आपका मन नहीं हो रहा है भौजी मेरा मन भी होता है देवर बाबू लेकिन क्या करूँ गाँव समाज भी तो देखना पड़ता है सब क्या कहेंगे तुम्हारे भैया को देखो फलानाओं की पत्नी अपने देवर के साथ सो गई क्या कहेगा समाज उसे देखो कामता
रोज अपनी भौजी के साथ सोता है और कोई उसे कुछ नहीं कहता है। मैं कैसे समझाऊं तुझे, आज लगता है तू मुझको नहीं छोड़ेगा। रुको देवर बाबू, आज तुम्हारी इच्छा मैं अच्छे से पूरा कर दूंगी। अब तो मजे लूटो देवर बाबू, जब तक तुम्हारे भैया नहीं आएंगे। मैं भी काफी दिन से तड़प रही थी। भौजी, आज से मैं हर एक बात आपकी मानूंगा। ठीक है देवर बाबू, पहले अपनी आंखें मूंदो और कुछ मत बोलो। देवर बाबू, अब आंखें खोलो और चुपचाप जाके वहां पे बैठो और मुझे काम करने दो। और ये हाथ तब खुलेगा जब तुम्हारे सर से भूत उतर जाएगा। काम खत्म होगा उसके बाद घर चलेंगे। जाओ बैठो। मैं कर देती हूँ। अरे सुभाष, भौजी धरा, क्या हो गया भौजी, इसका हाथ क्यों बांध दिया? सुभाष ने बोला मेरा हाथ बांधो भौजी। मैंने पूछा क्यों? सुभाष ने बोला मैं किसी को पीटने जा रहा हूँ। मैंने सोचा मुझको ना फोड़ दे, इसलिए मैंने सुभाष का हाथ बांध दिया। देवर बाबू ठीक क्या भौजी, अब तो खोल दो भौजी। ठीक है मेरे प्यारे से देवर। भौजी उधर मैंने ज्यादा लकड़ी काट के रख दिया है, अब सबको घर चलो। हाँ चलो, घर में भी तो जाकर काम करना है। हाँ चलो ठीक है, चलो सुभाष चलो।